मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने मिलावटखोरों और बदमाशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस ने ऐसे 20 बदमाशों की लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में करीबन 8 दिन से अवैध निर्माण पर पुलिस प्रशासन व नगर निगम द्वारा कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में DIG हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि जिन गुंडों बदमाशों ने कानूनी अतिक्रमण कर रखा है, अब उनके अवैध अतिक्रमण पर पुलिस निगाह बनाए हुए है और पिछले दिनों चाकूबाजी, नारकोटिक ड्रग्स से संबंधित या फिर किसी गंभीर अपराध में लिप्त बदमाशों की लिस्ट तैयार की गई है। वहीं जिन बदमाशों पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं, उनके भी अवैध अतिक्रमण देखे जा रहे हैं, जिनकी कुल 20 ऐसे बदमाशों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और लिस्ट के अनुसार लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। ये कार्रवाई से शहर की जनता में पुलिस का विश्वास जगाने के लिए की जा रही है, ताकि गुंडे बदमाशों का भय व आतंक शहर में कम किया जा सके। इसके मिलने जुलने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मुख्तार जो जेल रिहाई से छुटे हुए जो बदमाश हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो गुंडे हैं, सब पर कार्रवाई करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। इसमें अगले 2 दिनों में एक ही फास्ट शहर के सभी हिस्ट्री शीट को अलग अलग थानों में बुलाया जा रहा है। उनकी अलग अलग उनके जो डाटा है, उनके जो जानकारियाँ हैं, उसको अपडेट किया जाएगा। उसके एक दिन बाद जितने शहर के गुंडे लिस्ट के बदमाश हैं, उनको थानों में बुलाया जाएगा और उनकी भी पूरी जानकारी को अपडेट किया जाएगा। उसमें सभी से उसमें पूछताछ की भी अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि में अगर कोई पिछले 6 महीने में सक्रिय रहा है और लूट चाहे सचिंग जैसे वारदातों को या बॉडी ऑफ चाकूबाजी जैसे वारदातों को अगर कोई अंजाम देता है, ड्रग नारकोटिक जैसे अपराधों में संलग्न है, इस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि ये कई बड़े उद्योग से संबंधित जुड़े हुए लोग इन पर हाथ डाल रखते हैं और फिर कारोबार। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब अभियान शुरू किया गया था तो ऐसे हर क्षेत्र के लगभग 120 ऐसे बड़े अपराधियों के अवैध निर्माणों को तोड़ा। बता दें, एक दिन पहले इंदौर के नव निर्माण कंट्रोल रूम पर हुई इंदौर जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक में IG योगेश देशमुख द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे गुंडे बदमाशों की लिस्ट तैयार की जाए जो करीबन 6 महीने से गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। IG के आदेश के बाद पुलिस जहां लिस्ट तैयार करने में जुट गई है, वहीं अब एक के बाद एक कार्रवाई कर भू माफियाओं में हड़कंप देखा जा रहा है। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।